हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वत्सला सिंह। वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं क्या होता है। द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू हाउ अ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड। एक बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, इट रेफर टू अ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस एंड द पीपल हु कंस्टिट्यूट इट। हम कैसे पहचान सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी क्या फॉर्म है, उसके टाइप्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? हम उसके कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस जो होता है उसको किस तरीके के पीपल्स के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, रन किया जा रहा है, उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, उसकी फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली 1, 2, 3, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसे हम क्या कहते हैं, HUF भी कहते हैं, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या आता है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक कंपनीज, जिसे गवर्नमेंट रन करती हैं उसे क्या कहते हैं, हम पब्लिक कंपनीज कहती हैं, और जिसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ठीक है, अब हम इन सब फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं कि कुछ टर्म्स लिखी गई हैं। चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाई सेवरल इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट, मतलब बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, उसको ओरिजिन हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा था, और प्रोफेशन और बिजनेस, और हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा। तो उससे क्या हुआ, हम लोग जब बिजनेस को अच्छे से एनालाइज किए, बिजनेस को, कॉमर्स को, इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मुझे भी आगे चल के बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस करना है। तो मेरे पास कई तरीके के स्टूडेंट्स आए जिन्होंने कहा कि मैम मुझे बिजनेस करना है। एक स्टूडेंट आके कहता है कि मैम मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले अपने बिजनेस को, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद से काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने बिजनेस का मालिक रहूँ, और मैं, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मैं अकेले पूरा कंट्रोल लेके अपने बिजनेस का चलना चाहता हूँ। तो एक स्टूडेंट आया जिसने कहा कि मुझे अकेले करना है, और वहीं कुछ फ्रेंड्स आते हैं, उन्होंने, स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है कुछ फ्रेंड्स का, वो कहते हैं कि मैम मुझे तो ग्रुप में करना है, हम लोग पार्टनरशिप में करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बिजनेस करना है हम लोग, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि मुझे इस तरीके के करना है, तो वो कैसे बिजनेस का फॉर्म वो डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, द नेचर ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो बिजनेस का नेचर है वो मेन फैक्टर होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एंड साइज ऑफ द मार्केट आर लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो आप कैसे बिजनेस का नेचर जो है डिसाइड कर सकते हैं, आपको लोकल लेवल पे करना है बिजनेस ओपन करना है, या फिर नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को ओपन करना है, या इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से अपने जो आप जिस तरीके का बिजनेस ओपन करना चाह सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, या तो आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बिजनेस की टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, और उसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर, जो ओनर के द्वारा कंट्रोल की डिग्री रहती है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि मैं अकेले बिजनेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरे ने क्या कहा कि मैम हम लोग ग्रुप में करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके का करना चाहिए।
वहीं एक ग्रुप आता है, वो कहता है कि मैम मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इन केस अगर फ्यूचर में मैं नहीं भी रहूँ तो मैं जो बिजनेस स्टार्ट करूँ वो आगे रन करता रहे, तो वो किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और वहीं एक ग्रुप आगे कहता है एक स्टूडेंट कि मैम मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मेरी फैमिली में मैं फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या तो मेरी फैमिली का ही पहले से बिजनेस है मैम, मैं उसे ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरीके किस तरीके के बिजनेसेस वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल देखा जाएगा कि डिग्री ऑफ कंट्रोल डिफरेंट बिजनेसेस की क्या हो सकती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, जब जैसे छोटे लेवल का बिजनेस है, हम लोगों ने लोकल बिजनेस की बात की, तो वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए आपको, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहीं अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेंगे तो वहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको होगी। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस की, जो बिजनेस का ऑपरेशन है, जैसे कि हम लोगों ने लोकल बात की और नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो बिजनेस किस लेवल पे ऑपरेट हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ रिस्क, बिजनेस का जो साइज और नेचर है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा, वो क्या करता है बिजनेस रिस्क को, बिजनेस रिस्क किस पे डिपेंड होता है, साइज एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस। अगर स्मॉल बिजनेस है तो आपको बिजनेस रिस्क लो रहेगा, अगर आपका बिजनेस हाई है, लार्ज है, बड़े लेवल पे है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसमें बिजनेस रिस्क हाई रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटीज एज वेल एज द विलिंगनेस ऑफ ओनरशिप टू बियर इट। ठीक है, आपका आपका जो बिजनेस है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसे आपके कैसे डिसाइड करेगी, आप जिस तरीके का लाइबिलिटी बियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कंपरेटिव टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी की भी बात होती है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब ये क्या होता है, फर्स्ट स्टूडेंट से मेरे पास आके क्या कहा कि मैम मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे किसी की पार्टनरशिप की जरूरत ना हो, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। तो उसने क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की। मैंने कहा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है, ओन बाई वन पर्सन, उसका ओनर कौन रहेगा, एक पर्सन रहेगा। ठीक है, ओन बाई वन पर्सन, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि वो छोटा सा बिजनेस रहेगा इसलिए उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो उसको रन करना सिंपल रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल कैसे, अगर आप लोग कई ढेर सारे लोग होंगे तो उनका अपना अलग डिसीजन होगा, उनकी अपनी अलग क्या होगी, जो व्यूज़ होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ज़्यादा लोग रहते हैं उनके ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं तो वहाँ पे मतभेद के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लोगों में क्या होता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है, लोग आपस में ही क्या होते हैं, एक दूसरे के विचार को, थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना वहाँ पे क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। यहाँ पे आपका ओनर सिंगल रहेगा, ठीक है, एक ही ओनर रहेगा, एक ही उसका मालिक रहेगा, वो अपना खुद का डिसीजन लेगा और उसको सिंपली अप्लाई कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल रहता है बिजनेस को रन करना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेचर है, साइज है, वो छोटा रहता है। ठीक है, ओनर मेक ऑल डिसीजन, जो इसमें ओनर रहता है उसके द्वारा ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ओनर एंड बिजनेस आर वन। इसमें क्या रहता है, जो ओनर रहता है और बिजनेस रहता है एक रहता है, उनकी जो एंटिटी रहती है सेपरेट नहीं रहती है, दोनों को एक ही माना जाता है। अगर बिजनेसमैन को जो ओनर है अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका बिजनेस भी वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, जिसे हम कहते हैं एकाकी व्यवसाय। ठीक है, मालिक और उसका व्यवसाय दोनों एक माने जाते हैं, ओनर और बिजनेस अलग नहीं है, दोनों एक हैं। अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस भी वहीं पे बंद हो जाएगा।
सेकंड क्या है, इजी रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग। इसमें रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग करना बहुत इजी रहता है क्योंकि इसका जो लेवल रहता है वो बहुत बड़ा नहीं रहता है, जो बिजनेस का नेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो उसका क्या रहता है छोटे लेवल पे इसको ऑपरेट करना रहता है, तो उसमें जो रिपोर्ट्स बनाने रहते हैं, फाइल्स मेंटेन करने रहते हैं, वो बहुत ही इजीली हो जाता है। ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें क्या लिखा हुआ है, वेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में क्या होगा जब आपके बिजनेस का ओनरशिप और मैनेजमेंट होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। जब एक सिंगल पर इंडिविजुअल के द्वारा, पर्सन के द्वारा क्या होता है किसी बिजनेस का ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का काम होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सारे डिसीजंस आप लें, सारे मैनेजमेंट के काम आप करें, उसमें कि जितने भी प्रॉफिट्स हों आपको हों, सारे मतलब जितने भी कंट्रोल हैं बिजनेस का, जो भी कंट्रोल आपके हाथ में हो, आपको किसी से शेयर ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्विच कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मोड क्या बिजनेस क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पान वाले, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं पान वाले चाचा हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस का खुद मालिक हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने बिजनेस को खुद रन करते हैं, अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, जब ये चाहेंगे अपनी शॉप ओपन करेंगे, जब चाहेंगे क्लोज कर देंगे, इसमें कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, इन सब पर डिसीजन कौन लेगा, यही लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। द बिजनेस इंटरप्राइजेस इज ओन बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल के द्वारा इसको ओन किया जाता है। दैट इज बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क बिलोंग टू हिम, तो जितना भी प्रॉफिट होगा रिस्क होगा कौन मिल उसको, किसको मिलेगा, जो उसका ओनर होगा उसी को मिलेगा। जैसे वो पान वाले जाते थे, अगर प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, रिवेन्यू होगा, तो किसको मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। और वहीं कोई लॉस होगा तो कौन उसको बियर करेगा, वही बियर करेंगे। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता है बिजनेस का, वही क्या करता है, प्रॉफिट भी वो उसका भी प्रॉफिट जितना होता है बिजनेस में उसको भी वही लेगा, और अगर लॉस होता है तो उसको भी वही बियर करेगा। सेकेंड क्या है, ओनर इज द मैनेजर, ओनर क्या होता है यहाँ, मैनेजर होता है, अपने बिजनेस का ओनर भी होता है, सीईओ भी होता है, मैनेजर भी होता है, एम्प्लॉय भी होता है, स्टाफ सब कौन होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जिसका बिजनेस होता है, तो वो क्या होता है, अपने बिजनेस का मैनेजर होता है। ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो ओनर है वही अपने यहाँ से कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल लगाएगा अपने बिजनेस में, वो एक ओनली सोर्स होता है कैपिटल का अपने बिजनेस के लिए। द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज आर सेम इन द आई ऑफ लॉ, अगर लॉ की दृष्टि से बात करें तो हमारे लिए, जैसे कि हमने बात किया कि इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं, दोनों को एक ही समझा जाता है, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अब कुछ एडवांटेज देख सकते हैं हम, अभी इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज क्या है, ठीक है। इजी फॉर्मेशन, इसको क्या करना है, स्टार्ट करना बहुत इजी है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ या मैं मोमोज का दुकान लगाना चाहता हूँ, या तो मैं कोल्ड कॉफ़ी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कहीं पे अपना स्टॉल लगा सकते हैं। तो इसमें इजी फॉर्मेलिटी फॉर्मेशन हो जाता है, बेटर कंट्रोल, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ठीक है,
बेटर कंट्रोल, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपको अपने बिजनेस के लिए जो भी सही डिसीजन लगेगा आप वो लेंगे, आपको किसी और के सुनने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप उसका प्रॉफिट जो होगा वो भी आप बियर करेंगे, लेंगे, गेन करेंगे, और जो लॉस होगा वो भी आपको ही देखना होगा। तो अपने बिजनेस के लिए जो भी सही होगा वो डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल इसलिए बहुत ही ईजली और सही हो जाता है, और डिसीजन बहुत ही प्रॉम्प्ट होते हैं, जल्दी डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और पार्टनर्स नहीं होते हैं, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है एंड फ्लैक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए और आपने वो डिसीज़न लिया हुआ है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि आपको डिसीज़न में चेंज करने की नौबत आ जाती है, तो सेकंड डिसीज़न या सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं? आप दूसरे डिसीज़न को स्विच कर सकते हैं या दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन होती है, सारा जो कंट्रोल रहता है वो ओनर के पास ही रहता है। सब्जेक्ट टू फीवर रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इसमें क्या रहता है, इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉर्पोरेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर बिजनेस की कंपनीज की बात करें तो उसको क्या रहता है, उसमें टैक्स की आपने मेंटेन किया होगा, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रेडिंग, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, उसमें क्या रहता है, आप टैक्स का देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करती है। यहाँ पे ओनरशिप में क्या रहेगा, ओनरशिप रहेगी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के पास, उसके पास जो इनकम आएगी वो उस पर ईजली क्या कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप क्या, ओनरशिप ओनर और जो बिजनेस है वहाँ इसको एक ही समझा जाता है। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स कौन लेगा, जो ओनर रहेगा वो सारे प्रॉफिट्स लेगा। अब डिसएडवांटेज देखते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं तो उसके एडवांटेजेस हमने उन देखे। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास प्रॉफिट कोई प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो उस पर किसका होगा राइट, पूरा राइट होगा ओनर का। और वहीं अगर आपकी आपको कोई लॉस होता है तो उसको कौन बियर करेगा, ओनर बियर करेगा। लेकिन यहाँ पे ओनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है मतलब अगर आपको कोई लॉस हो गया, ठीक है, आपको कोई लॉस हो जाता है और आपके जो बिजनेस का प्रॉफिट है आपने उससे लॉस मीट करने की कोशिश की, बट क्या हो जाता है, आपने बिजनेस भी अपना उस लॉस को मीट करने के लिए सेल कर दिया बट फिर भी अभी भी आपके ऊपर लॉस है ही, तो आप उसको क्या करेंगे, उस लॉस को कैसे अभी क्या उसको कैसे क्या करेंगे, चुकाएंगे, अपने ड्यूज को कैसे पे करेंगे। उसके लिए सिर्फ बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं या बिजनेस की अगर आपने सेल भी कर दिया है तो भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो ओनर रहेगा उसे अपने घर से पैसे लाके देने होंगे उस लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है, उस लायबिलिटी को पूरी करने के लिए उसको अपने घर से पैसे लाके देने होंगे। उसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उसके लिए क्या हो सकती हैं, बेची जा सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ओनर है मिस्टर राम, ठीक है, मिस्टर राम ओनर हैं, इन्होंने 1 लाख का क्या किया है, लोन लिया है। अब इनको बिजनेस में काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से इनको लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनको बिजनेस इनका बंद होने पे आ गया है, अब ये बिजनेस नहीं रन कर पा रहे हैं और इनको ये बिजनेस को अपने बेच देते हैं या जो बिजनेस के एसेट्स रहते हैं उसे सेल कर देते हैं, अपने प्रॉफिट्स को यूज़ कर लेते हैं, तो भी ये क्या करते हैं, 80,000 ही इनके पास होता है
लोन को जो इन्होंने लोन लिया है उसको पे करने के लिए आफ्टर सेलिंग हिज बिजनेस एंड यूजिंग प्रॉफिट्स और बिजनेस एसेट्स सारे यूज करने के बाद भी इनके पास कितने आते हैं, 80,000 ही हो पाते हैं। तो 20,000 बाकी का जो है इनकी राम जो मिस्टर राम है उनकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अगर ओनर ने कहीं से लायबिलिटी ली हुई है, कहीं से लोन लिया हुआ है और अगर उसे वो नहीं पूरा कर पा रहा है बिजनेस के एसेट्स वगैरह सेल करके भी, तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स को भी क्या बोलते हैं सेल करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी उसको अनलिमिटेड रहती है। किस केस में, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल। यहाँ कैपिटल रेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसा कि हम लोग पुराना एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राम को लॉस हो रहा था कई टाइम में, तो वो अचानक से तो बैंकरप्ट नहीं हो गए होंगे, वो बिजनेस बंद करने की उनकी नौबत क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कंपनीज में क्या करते हैं हम लोग, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको शेयर डिबेंचर तो इशू करना होता नहीं है, तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कैपिटल को रेस करना, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल रेस करने में डिफिकल्टीज आती हैं, इस वजह से बिजनेस को कभी कभी लॉस फेस या रिस्क फेस करना पड़ सकता है। बिजनेस हैज लिमिटेड लाइफ, बिजनेस की यहाँ पे लाइफ लिमिटेड होती है। कैसे, जैसे कि मैं हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस है और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट नहीं है, यहाँ पे दोनों को एक ही समझा जाता है। तो जो बिजनेसमैन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी जो वर्किंग लाइफ है वो क्या है, लिमिटेड है, या तो उसकी लाइफ लिमिटेड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस लाइफ भी यहाँ पे लिमिटेड है, वो परपेक्चुअल नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, यहाँ पे कह रहता है बिजनेस का साइज हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना भी चाहें तो एक लिमिटेड एरिया तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओनर कौन रहता है, एक सिंगल पर्सन रहता है, इसलिए वो अपने बिजनेस को एक लिमिटेड साइज तक ही एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है, बहुत ज़्यादा वो अपने बिजनेस को फैला नहीं सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, HUF भी कहते हैं। ये क्या है, कम इंटू एग्जिस्टेंस एज पर द हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट है उसके थ्रू ये क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंड इन इंडिया, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन्स अ बिजनेस ज्वाइंटली, इसमें क्या होता है, बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स हैं, वो ज्वाइंटली क्या करते हैं, बिजनेस को ओन करते हैं, ओनरशिप उन लोग के पास होती है। द अफेयर ऑफ द बिजनेस मैनेज बाई हेड, ये जो बिजनेस का काम है उस किसके द्वारा देखा जाता है, हेड के द्वारा देखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को पेरेंट्स, ठीक है, को पर्संस, ठीक। जो यहाँ पे कर्ता रहता है वो क्या रहता है, वो हेड रहता है, और बाकी जो मेंबर रहते हैं वो को पार्सेनर्स होते हैं, वो को पार्सेनर्स होते हैं, और जो हेड रहता है वो करता रहता है। ये किस में रहता है, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अब आगे हम देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या, मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर्स
टू द ज्वाइंट फैमिली नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अगर आप मेंबर बनना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए, वो इसमें मेंबर बनने के लिए कौन, आपके फैमिली का होना जरूरी है, ब्लड रिलेशन जरूरी है, कोई बाहर का आउटसाइड पर्सन नहीं बन सकता है मेंबर। ठीक है, कोई आउटसाइडर नहीं बन सकता है मेंबर, वो फैमिली मेंबर होना जरूरी है। ज्वाइंट फैमिली ही HUF का काम करती हैं। कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें जो कर्ता है पर्सन, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की होती है लाइबिलिटी अनलिमिटेड, वैसे यहाँ कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। वाइल ऑल अदर मेंबर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, जबकि और जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट कर्ता की अनलिमिटेड होती है। द शेयर ऑफ ईच मेंबर्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, इसमें जो मेंबर्स के शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, वो घटते बढ़ते हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर्स और कर्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर कर्ता जो है अगर उसको कुछ हो जाता है तो भी बिजनेस क्या होता है, रन करता रहता है, अगर बाकी मेंबर्स सही हैं तो आगे भी बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, जो कर्ता है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो फैमिली का दूसरा एल्डर मेंबर है, बड़ा है परिवार में, सबसे एज में बड़ा रहेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, कर्ता बना दिया जाएगा। इस तरीके से वो बिजनेस आगे भी रन कर सकते हैं। ये HUF में आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एवरी को पार्टनर्स हैज एस एश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट्स, जितने भी पार्टनर्स हैं कह सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो कि HUF का पार्ट है, वो क्या है, वो उनका प्रॉफिट में एक फिक्स शेयर है, शेयर उन लोग का प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, द बिजनेस हैज कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस, इसमें बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या है, कंटिन्यू किया जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कह सकते हैं, आगे बढ़ाया जा सकता है, इसे बंद करने की जरूरत नहीं होगी अगर कर्ता को कुछ हो जाए, कोई और फैमिली मेंबर एज अ कर्ता वर्क कर सकता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द पावर आर विद द कर्ता, इसमें क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग क्विक रहेगा, जो फैमिली का हेड रहेगा, जो कर्ता रहेगा, वो क्या करेगा, वो जल्दी से डिसीजन, क्विक डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग क्या है, क्विक है। ठीक है, क्योंकि पावर्स किसके पास रहती है, कर्ता के पास, डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास रहता है, कर्ता के पास। नो कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना रहता है, जैसे कि HUF में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना होता है, वैसे यहाँ पे भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं पे करने होते हैं। पीपुल यूज इट मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट दिस डे, और आजकल हम लोग फैमिली HUF क्यों यूज किया जाता है, ताकि वो कॉर्पोरेट टैक्स से बच सके। ठीक है, टैक्स बेनिफिट उन्हें हो सके, इसलिए HUF अभी भी रन कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं HUF के, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, जो सारे पावर्स रहते हैं वो कर्ता के पास रहते हैं, जो HUF का हेड रहता है कर्ता उसके पास रहते हैं। इनस्टेबिलिटी, ये स्टेबल नहीं होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रेज, इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड रहते हैं, जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे यहाँ भी लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या रहता है, सारे पावर्स किसके पास थे, कर्ता के पास थे, डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास था, कर्ता के पास था। अगर बाकी जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स या फिर जो को पार्सन थे या पार्टनर थे, अगर उनकी जो उनका मत है या उनके थॉट्स हैं अगर कर्ता से मैच नहीं करते हैं,
जो कोपार्टनर्स थे उनका अगर और कर्ता का जो थॉट है अगर आपस में मैच नहीं करता है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडियाज या फिर कोई डिसीजन लेना हुआ तो उसमें क्या हो सकता है, चेंजेस करने हुए उस पर क्या हो सकता है, कर्ता और जो बाकी कोपार्टनर्स थे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है।